ये काफी हद तक मुमकिन है कि ये मुर्गा शायद आप व्हाट्सएप पे सुन रहे हो या फेसबुक पे सुन रहे हो। याद रखें कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका इस्तेमाल करें किसी की खुशी के लिए, किसी के फायदे के लिए। दो लड़के जिनको मैंने कॉल किया था, एक हिंदू और एक मुसलमान, फेसबुक पे न जाने क्यों इन दोनों ने अपडेट किया और एक दूसरे के खिलाफ लिखा, मुझसे रहा नहीं गया। हेलो, इज दैट मिस्टर जाकिर? जी सर, हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। जी बताइए। हम उन यूजर्स को फोन करते हैं जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे, और हम उनको कैश प्राइज भी देते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। ओके। जिसमें 5,000 इन रुपीज आप जीत सकते हैं। तो मतलब ऑलरेडी जीत चुका हूँ? आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं, बस एक स्टेप रह गया है। हमारे जो बॉस हैं फेसबुक, जो हमारे सीनियर हैं, उनको मैं कॉल ट्रांसफर करूंगा आपकी। आप थोड़ा सा उनको अपनी रीसेंट एक्टिविटीज के बारे में बताइएगा, तो उनको पता चल जाएगा कि फेसबुक आप ही यूज कर रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। ओके ओके। हियर आई एम ट्रांसफरिंग। हेलो, हाउ इज दिस? आई एम रामकृष्ण चौधरी। कांग्रेचुलेशंस, 5,000 रुपीज आपके हो गए। मिस्टर जाकिर, परसों आपने एक अपडेट लिखा है, परसों 9:37 पे, परसों के बाद आप फेसबुक पे अभी तक आए नहीं थे, तो वो जो लिखा है अपडेट, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या लिखा है आपने? क्या नाम बताया आपने? रामकिशन चौधरी। हाँ, कुछ लिखा था शायद। जरा उस अपडेट के बारे में बताइए, मुझे पढ़ के बता दीजिए, क्योंकि एक बार हम ऑथेंटिकेशन के लिए हम जरूरी होता है। नाम क्या बताया? रामकिशन चौधरी। तो आप जाकर आप काम करिए, एक विनर और हैं जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, उनको मैंने होल्ड पे डाल रखा है, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ, दोनों को एक साथ चेक दे देता हूँ। राइट, ओके। हेलो अमित, हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। जो बहुत ज्यादा एक्टिव यूजर हैं, हम उनको कॉल करते हैं और कैश प्राइज फेसबुक की तरफ से मिलता है, विच इज 5,000 रुपीज। इसमें क्या कुछ मुझे करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, हमारे जो बॉस हैं फेसबुक में ही, वो आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ऑथेंटिकेशन के लिए कि वो आप ही यूज कर रहे हैं फेसबुक, ऐसा ना हो कि 5,000 रुपए किसी और के पास पहुंच जाए। राइट, ठीक है। हियर आई एम ट्रस्टिंग। हाय, गुड इवनिंग, माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल्ला। हाय, लेटेस्ट एक्टिविटीज जो आपकी हैं उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताइए। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद अब्दुल्ला। लेटेस्ट अपडेट, मैंने आपका होम पेज खोल रखा है, तो आपने जो परसों वाला अपडेट किया है वो लेटेस्ट किया है, तो वो एग्जैक्टली मेरे को पढ़ के बता देंगे। व्हाट इज योर नेम सर? मोहम्मद अब्दुल्ला। थोड़ा सा रीड कर दिए, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल सामने है, आपका खुला हुआ है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको याद है या नहीं है। नहीं बता पाएंगे आप नहीं बता पाएंगे, और वो भी नहीं बता पाएंगे जिनको मैंने होल्ड पे डाला हुआ है। रुकिए आप। जाकिर जी और अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित, जब आपसे मैंने ये पूछा था कि आपने फेसबुक लेटेस्ट अपडेट क्या किया था, तो आप बता नहीं पाए, क्योंकि आपसे मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहा था। और जाकिर, जब मैंने आपसे पूछा था कि आपने लेटेस्ट अपडेट क्या किया था फेसबुक पे, तो आप बता नहीं पाए, क्योंकि आपसे बात रामकिशन चौधरी कर रहा था, और आप दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप दोनों से बात रेडियो मिर्ची से नवेद कर रहा है। जो फेसबुक अपडेट आपने लिखा है अमित, आपने मुसलमानों के खिलाफ लिखा, जाकिर आपने हिंदुओं के खिलाफ लिखा, लेकिन जाकिर आपसे जब एक हिंदू ने पूछा क्या लिखा, तो आप में इतनी शर्म और इतना लिहाज था कि आप बता नहीं पाए, और अमित, जब आपसे एक मुसलमान ने पूछा कि आपने क्या लिखा, तो आप में इतनी शर्म और इतना लिहाज था कि आप बता नहीं पाए। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? जाकिर, आपसे खास तौर से कह रहा हूं मैं, जब आपसे बात नहीं करी थी उससे एक दिन पहले मैंने आपके बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी करी। जाकिर, आप याद करें, 13 जुलाई 2012 को आपके बेटे का ऑपरेशन हुआ था, अपोलो हॉस्पिटल में हुआ था। ध्रुव, किशोर, गौरव, रणदीप और मनप्रीत, इन्होंने सबसे पहले आके आपके बेटे को ब्लड दिया था। जाकिर, हिंदू थे ये लोग। अमित, आपको याद है 17 मार्च 2012 को जामिया यूनिवर्सिटी के सामने आपका एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से गिर गए थे आप। होली फैमिली हॉस्पिटल पहुंचाने में जो लोग थे, रिजवान, यासिर, अफनान और शाहिद, और जब तक रहे आपके साथ, जब तक आपके माता पिता नहीं आ गए, मुसलमान थे अमित वो। जाकिर, 8 साल का बेटा है आपका। अपने बेटे से ये पूछिएगा कि स्कूल में उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, और ये मुझे स्कूल से ही पता चला, लक्ष्य आपके बेटे का सबसे अच्छा दोस्त है, जिसके साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है वो। अमित जी, आपके वालिद साहब की दुकान हुआ करती थी, जो इस दुनिया में नहीं है। आपके वालिद साहब सबसे ज्यादा वक्त अपना शब्बीर साहब के साथ बिताया करते थे, क्योंकि सबसे अच्छे दोस्त थे वो उनके। शब्बीर साहब मुसलमान थे। इस बात पे मुझे पूरा यकीन है, जो फेसबुक अपडेट करके आपने दोनों ने जहर उगलने की कोशिश करी है, ये आपके उपज नहीं थे। नेताओं के इन्फ्लुएंस में आके आप दोनों ऐसे काम करते हैं जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचता है, जिससे इंसानियत शर्मिंदा होती है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए।
नहीं, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ सर। मैं भी और अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप दोनों ने लिखा, 15 लोगों ने लाइक किया, कुछ लोगों ने शेयर भी किया होगा। कितना जहर आपने आगे तक फैला दिया। ये बहुत अच्छी चीज है सोशल मीडिया, लेकिन इसका इस्तेमाल लोगों की खुशियों के लिए करें, लोगों को सुकून मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप दोनों से मेरी इल्तिजा ये है कि आप अपने फेसबुक से तो डिलीट कर देंगे, ये मैं हाथ जोड़कर और आप कहें तो मैं आपको गले लगाकर दोनों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने जहन से डिलीट कर दीजिए, अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। अगर आपको इतना सा भी लगता है कि इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तो प्लीज मेरी तरफ से रोकिएगा और इंसान बन के रोकिएगा। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब, सबसे बड़ा धर्म है। इस चीज को दिमाग में घुसा लीजिए, इससे बेहतर काम कुछ हो नहीं सकता। मैंने ये खुद नहीं लिखा है, नहीं है, ये मैंने कॉपी। सर मैंने भी वो खुद नहीं लिखा था, वो मैंने भी किसी का शेयर कर दिया था। थैंक यू सो मच। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अगर आप दोनों डिलीट कर देंगे और लोगों को बताएंगे कि इस तरह की हरकत ना करें तो बेहतर रहेगा। सर थैंक्स टू यू, बी हैप्पी एंड बी हिंदुस्तानी। थैंक यू। बन